हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डॉल्बी डिजिटल को इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप जो डॉल्बी डिजिटल को इंस्टॉल कर सकते हो और उसके जो इक्विलाइजर्स है उनको आप यूज़ कर सकते हो म्यूज़िक के। जब आप म्यूज़िक चलाते हो तब आप उनको एक डॉल्बी जो आपको इफ़ेक्ट मिलेगा डॉल्बी साउंड का, तो डॉल्बी डिजिटल के साउंड का, तो वो आप इन्जॉय कर सकते हो। ओके, तो आप इसके लिए देखिए आपको एक और कई सारे तरीके हैं। तो आज इस वीडियो में आपको कोई एप्लीकेशन के थ्रू बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि आपको कोई रूट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बूट लोडर अनलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोम इंस्टॉल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना, आपको सिंपल एक एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना होगा। तो जैसे आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे तो आपका जो डॉल्बी एडवांस डॉल्बी डिजिटल है वो वर्क करने लगेगा आपके फ़ोन में। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको जो है डॉल्बी डिजिटल का जो एक एप्लीकेशन होगा वो आपको डाउनलोड करना है। आप गूगल से कर सकते हो या फिर मैं इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल हो जाएगा तो वैसे ही आपको जो है ना इसको ओपन करना है। तो देखिए आप इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा इक्विलाइजर या फिर ऐसा कोई भी फीचर नहीं मिलता जिससे कि आप अपने जो वॉल्यूम्स है या फिर साउंड है उसको कंट्रोल कर सकते हो इक्विलाइजर्स वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा, यहाँ पे जैसे कि देखा हुआ है, दिस डिवाइस इज इंस्टॉल्ड डॉल्बी प्रो लॉजिक प्लगइन। ओके, सो ये जो है यहाँ पे पहले से ये जो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो आपको जैसे ही इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ये मैसेज आ जाएगा। और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो आप अगर कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप Xiaomi की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको एक गूगल प्ले म्यूज़िक का एक ऐप में ज़रूर मिलेगा। और तो आपको अगर नहीं मिलता तो आप डाउनलोड कर लीजिए, वरना तो आपको मिल जाएगा। तो आपको मिल जाए तो आप ओपन कर लीजिए। ये जो गूगल का एप्लीकेशन है ये सभी फ़ोन में लगभग सभी में ही अवेलेबल रहता है। ठीक, तो आपको ओपन करना है इसको। ठीक है, ओपन कर लोगे तो आप जैसे इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एक नया फीचर यहाँ पे मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आपको ये वाला जो इक्विलाइजर का एक ऑप्शन है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डॉल्बी डिजिटल यहाँ पर इसको जिस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक, आप जैसे अगर आपको जो डॉल्बी डिजिटल का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस नहीं आएगा। ध्यान दीजिए आपको ये वाला ऑप्शन भी शायद ना शो हो। ठीक है, तो आइए अगर शो होगा तो आपको जो है इसकी फ़ोन की जो इक्विलाइजर की सेटिंग्स होती है आपको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। बट यहाँ पे आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, जैसे अब इंस्टॉल और ओपन करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अगर राइट टिक है तो ठीक है, नहीं है तो टिक कर दीजिए। और जिससे कि टिक करोगे तो आपको जो इफ़ेक्ट है डॉल्बी साउंड का, डॉल्बी डिजिटल साउंड का, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, और इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है इक्विलाइजर डॉल्बी बूस्टर, तो इसको आप जाएंगे तो आपको यहाँ से कई सारे इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे इक्विलाइजर वाले, तो आप उनमें से स्विच या फिर चेंज कर सकते हो। तो जो वाइट डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे डॉल्बी बूस्टर पे क्लिक रहेगा तो आप यहाँ से यूज़र भी कर सकते हो, यूज़र यानी कस्टम, आप अपने अनुसार इनको चेंजेस कर सकते हो। और तो आप डॉल्बी बूस्टर को ही क्लिक सिलेक्ट रहने दीजिए और यहाँ पे बैक आ जाइए। ठीक है, तो बैक आने के बाद आप देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जो है बेस बूस्ट का है। तो आप हेडफोन अगर आप यूज़ करते हैं तो आप उसमें जो बेस है उसको बूस्ट कर सकते हैं या फिर कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक नाउ, अब जैसे देखिए एक और यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपकी कोई सेटिंग्स या फिर बेकार हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको जो भी सेटिंग्स होंगी वो वापस से डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगी, तो आपका जो डॉल्बी डिजिटल है वो ठीक से फिर से वर्क करने लगेगा। ठीक, तो आप इसका जो इफ़ेक्ट देखना चाहते हो तो देखिए आपको हेडफोन या फिर आप ईयरफोन में आप लगा के चेक कर सकते हो, तो आपको इफ़ेक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। और आप अगर आपके पास फ़ोन है तो आप देखिए, ईयरफोन या हेडफोन नहीं है तो आप फ़ोन में भी आप इसको ट्राई करके देखना, तो आपको इसका इफ़ेक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। एक
जो नॉर्मल जो फ़ोन का साउंड आता है और एक डॉल्बी डिजिटल का साउंड, अगर आप इसका इसका इक्वलाइजर का आप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे और आप ट्राई करके देखना एक बार, तो आपको पता लग जाएगा। ओके गाइस, तो ये था वीडियो आपको कैसे डॉल्बी डिजिटल को इंस्टॉल कर सकते हो या फिर इंजॉय कर सकते हो अपने फ़ोन में विदाउट एनी रूट और बूट लोडर अनलॉक किए। कोई भी DWRP आपको रिकवरी इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे आपको सिंपल मिल गया डॉल्बी डिजिटल का साउंड इक्वलाइजर। तो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल है या फिर अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना ज़रूर और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। एप्लीकेशन, मोबाइल एंड एंड्रॉयड ऐप्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस देखना चाहते हो ना गाइस, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। इस चैनल पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, और आप अगर इंटरेस्टेड हो जानने में, सीखने में, तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके गाइस, सो गाइस मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।